अब आ जाता है जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड आइलियस यानी पैरालिसिस हो गई है इंटेस्टाइन की, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है ना, फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन है, इंट्रा एबडोमिनल सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शन वगैरह सेप्सिस वगैरह उसकी वजह से, और नमूनिया ठीक है, नमूनिया की वजह से भी अक्सर औकात बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो कन्फ्यूजन हो रही होती है उसमें। ट्रीटमेंट में क्या है जी, वैसे तो इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल है, लेकिन सम कॉजेज ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, कुछ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, मैनी रिक्वायर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ठीक है। इन एडल्ट फ्रीक्वेंटली द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉजेटिव लीजन आर रिक्वायर्ड ठीक है। इन मेलिग्नेंट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंडोस्कोपिकली प्लेस्ड सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट्स मे बी यूज टू टेम्परेली रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन एज अ ब्रिज टू सर्जरी और एज अ पेलिएशन। एक टनल है, एक गार है जिसमें से गाड़ियों में गुजरने, एक टनल है समझने ठीक है। अब वो टनल कोलैप्स कर गया, गाड़ियाँ उधर से नहीं गुजर सकती, तो आप क्या करेंगे कि उस टनल में पिलर्स वगैरह लगाएंगे ठीक है, पिलर्स लगाएंगे ताकि टनल वापस उसकी जो अंदर जो होल है जो सुराख है वो वापस खुल जाए और वहाँ से गाड़ियाँ आसानी से क्रॉस कर सकें ठीक है। तो मैलिग्नेंट यानी कोई अगर कोई मैस है या कोई कोई इस किस्म की चीज़ है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो वहाँ पर आप स्टेंट डालते हो ठीक है, जिस तरह आप हार्ट में स्टेंट डालते हो ना ताकि ब्लड वेसल खुल जाए और खून वहाँ से रवानगी, उसी तरीके से आप स्टेंट वहाँ डालेंगे ताकि टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट इसका ये हल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसकी सर्जरी तक उसका जो है ना ये रास्ता खुला रहे और उसको ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉर्मली कंडक्टेड थ्रू इनिशियल प्लेन वीडियोग्राफ ऑफ द एब्डोमेन, ल्यूमिनल कंट्रास्ट स्टडीज, कंप्यूटर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड प्राइवेट डिटरमिन द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है। डायग्नोसिस आप इन सब चीज़ों से कर सकते हो और ट्रीटमेंट से पहले आपको सारी इन्वेस्टिगेशन अच्छी से करनी चाहिए ताकि आप उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकें ठीक है। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होते हैं, दी मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन आर अल्टीमेटली फेटल इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड ठीक है। अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज एनजी ट्यूब मे बी इंसर्टेड थ्रू द नोज इनटू द स्टमक टू डीकंप्रेस द डायलेटेड बाउल, ये फर्स्ट स्टेप है, ये याद रखना। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी एक बंदा है बच्चा है जो भी कुछ है उसको स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, आपने उसको एनजी ट्यूब डालना है ताकि उसके एब्डोमेन उसके स्टमक के अंदर जो भी कुछ है वो डीकम्प्रेस हो, वो एयर है या उसके अंदर एसिड है या पानी है जो भी कुछ है वो आपके एनजी ट्यूब से निकले, और आपने एनजी ट्यूब के दूसरे एंड पे बैग लगाना है ताकि आप उस बैग से ये भी अंदाज़ा लगा सको कि कितना फ्लूइड आया है, ताकि आपने उसकी बॉडी की फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करनी है, वरना आप कोई बैग शेक नहीं लगाएंगे तो वह तो वैसे कपड़े वपड़े गंदे होंगे, लेकिन अगर बैग लगा के उसका हिसाब नहीं लेंगे तो फिर बंदा डिहाइड्रेशन में जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी ठीक है। द ट्यूब इज़ अनकम्फर्टेबल बट रिलीव द एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग डेफिनेटली ठीक है, वॉमिटिंग भी नहीं होगी क्योंकि उसको रास्ता मिला हुआ है, नीचे से नहीं निकलता तो ऊपर से निकल रहा है। इंटरवीनस थेरेपी इज यूटिलाइज एंड द यूरिन आउटपुट इज मॉनिटर्ड विद अ कैथेटर ठीक है। आईवी थेरेपी भी देनी है और यूरिनरी कैथेटर भी डालना है ताकि उसका आउटपुट भी आप चेक कर सकें। मोस्ट पीपल विद स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन आर इनिशियली मैनेज कंजर्वेटिवली बिकॉज इन मैनी केसेज द बॉल विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली ठीक है, खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। द पेशेंट इज एग्जामिन सेवरल टाइम्स अ डे एंड एक्सरे इमेजेस आर मेड टू इंश्योर ही और शी इज़ नॉट गेटिंग क्लिनिकली वर्स, एक्सरे उसके करते रहते हैं सेवरल टाइम्स, उसको चेक करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो रहा हो, किस तरफ जा रही है उसकी पिक्चर। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब एंड करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस एबनॉर्मेलिटीज, आई वी फ्लूइड्स वगैरह देकर ठीक है। ओपियोइड पेन रिलीवर्स में भी यूज फॉर पेशेंट विद सिवियर पेन, एंटीमेटिक्स में भी एडमिनिस्ट्रेट इफ द पेशेंट इज वॉमिटिंग ठीक है। एंटीमेटिक कहते हैं वॉमिटिंग के खिलाफ जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है ताकि वो वॉमिटिंग ना करे। मोस्ट पेशेंट्स इम्प्रूव विद कंजर्वेटिव केयर इन 2 to 5 days। When the obstruction is cancer, surgery is the only treatment. Those with bowel resection or lysis of adhesions usually stay in hospital for a few more days until they can eat and walk. ठीक है, किसी की अगर कैंसर है या कुछ है तो उस बाउल रिजेक्शन का मतलब है कि उस एरिया के बाउल को काट दिया और दूसरे एंड बाकी एंड्स को आपस में जोड़ दिया, और लाइसिस ऑफ एडिशंस वही मैंने आपको बताया कि एडिशंस बने हुए अंदर चिपका हुआ सब सब कुछ ऐसे फिक्स है, तो उसको जब आप काट देंगे तो कुछ लोगों को ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में स्टे करवा दें ताकि वो चलने फिरने और खाने पीने के काबिल हो जाए।
चिल्ड्रन का जो मेन टॉपिक इसमें होता है वो न्यूनेटल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो फीटल एंड न्यूनेटल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन आर ऑफन कॉज्ड बाय एन इंटेस्टाइनल एट्रीजिया, ठीक है, वेयर देयर इज नैरोइंग और एब्सेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल एट्रीजिया अक्सर की वजह से होता है, इसमें नैरोइंग होती है इंटेस्टाइन के पार्ट की या वो पार्ट ही एबसेंट होता है, ठीक है। द एट्रीजियाज आर ऑफन डिस्कवर्ड बिफोर बर्थ वाया एन अल्ट्रासाउंड एंड ट्रीटेड विद यूजिंग लेप्रोटोमी आफ्टर बर्थ, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, और ट्रीट किस तरह करते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसकी लेप्रोटोमी करके ऑपरेट करके, लेप्रोटोमी कहते हैं ओपन एबडोमिनल सर्जरी जो होती है। इफ़ द एरिया अफेक्टेड इज स्मॉल देन द सर्जन मे बी एबल टू रिमूव द डैमेज पोर्शन एंड ज्वाइन द इंटेस्टाइन बैक टुगेदर, ठीक है। अगर थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व है तो उस एरिया को काट कर इंटेस्टाइन को काट कर बाकी दो एंड जो उनको आपस में चिपका जोड़ देते हैं। इन इंस्टेंसेज वेयर द नैरोइंग इज लॉन्गर और द एरिया इज डैमेज एंड कैन नॉट बी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अ टेम्परेरी स्टोमा में भी प्लेस, ठीक है। अगर बहुत सारा नैरोइंग लंबी है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, या फिर आप उस एरिया को यूज़ नहीं कर पाते हो या ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो तो स्टोमा लगा देते हैं। स्टोमा कैसे कहते हैं, स्टोमा का मतलब ये है कि आपकी स्किन से एब्डोमेन की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है और उस स्किन वाले एरिया पे जहाँ पे सुराख होते हैं वहाँ पे एक बैग लगा देते हैं ताकि जो भी फीसेस वगैरह हैं वो उस बैग में जाएं और आप उस बैग को फिर फेंक कर या उसको साफ करके वापस उस बैग को अटैच कर लें, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने का। प्रोग्नोसिस क्या है जी, तो प्रोग्नोसिस फॉर नॉन इस्कीमिक केसेस ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इज गुड विद मॉर्टेलिटी रेट्स ऑफ 3-5%, वाई दी प्रोग्नोसिस विद स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन विद इस्कीमिया इज फेयर विद मॉर्टेलिटीज एज हाई एज 30%, ठीक है। जिसमें इस्कीमिया नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट से 3-5% है, लेकिन जिसमें इस्कीमिया हो जाए तो उस बंदे की डेथ पे 30% तक उस एरिया उस की जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 30% होता है, ऐसे जो इस्कीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं। द मेलिग्नेंसी रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस एंड दस आर एसोसिएटेड विद पुअरर प्रोग्नोसिस, ठीक है। मेलिग्नेंसी हो या मेटास्टेसिस हो, ये पुअरर प्रोग्नोसिस कहलाती हैं कि इनकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर होगा हर्निया का इंशाल्लाह ताला। ओके।